हमारे आदरणीय बुजुर्ग यहां पर उपस्थित, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का, यहाँ के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ की जनता से मिलने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें मैं चेहरे से तो पहचान सकता हूँ, नाम नहीं जानता हूँगा और बहुत कम जसवंत नगर में आया, इसलिए नौजवानों से ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन कल के कार्यक्रम के बाद, सैफई ब्लॉक के कार्यक्रम के बाद आज जसवंत नगर का कार्यक्रम हो रहा है और ये दोनों कार्यक्रम इसी विधानसभा के हुए हैं। हालांकि मुझे डिक्शनरी में ये नहीं पता है कि जो अपना रिकॉर्ड देते हैं, शायद डिक्शनरी में इसका शब्द नहीं होगा और कोई मास्टर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, शायद शब्द भी नहीं ढूंढ सकता। जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंत नगर विधानसभा कहते हैं। और ये जसवंत नगर विधानसभा ऐसी है जिसकी पहचान न केवल अपने आसपास के जिलों में है बल्कि पूरा देश जानता है कि जसवंत नगर विधानसभा कौन सी है। इसको बताने की जरूरत नहीं है और जब से मैनपुरी का हिस्सा बन गया है तब से जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा में कहीं कुछ भी हिसाब किताब हो, किसी तरह की गिनती हो, लेकिन आते आते जसवंत नगर जानता है कि उसको परिणाम क्या देना है। परिणाम कुछ भी हो लेकिन परिणाम अपने पक्ष में जसवंत नगर की जनता करना जानती है।